हेलो गाइस, आज ना मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आने वाला हूँ जो एनटीए ने आपको दिया था। उसने ये बताया था कि जो 7 सितंबर है उसको वो अपना नीट का रिजल्ट आउट करेगी। जो अभी हो रहा है ना नीट यूजी, उसका रिजल्ट आउट होने वाला है आज। तो यार बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं अभी भी फोन पे चेक करने की, यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, एरर बता रहा है चेक करने पे। तो यार अभी ऐसा होता है, जब तक रिजल्ट आपका अपलोड नहीं होगा जब तक आपको एरर ही शो करने वाला है, ठीक है। तो आप कोई टेंशन ना लें, मानते हैं कि आपकी हार्ट बीट बढ़ी होंगी रिजल्ट को लेके, बट कोई टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया काम होकर बैठो यार, रिजल्ट आ जाएगा। आज नहीं कल देख लेना आप, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है आपको ना, सबसे पहले नंबर आपको आराम से बैठना है, कोई हाइपर टेंशन नहीं होना है आपके अंदर, ठीक है। क्योंकि यार सबके साथ होता है, जब मेरा नीट का रिजल्ट आया था तो मेरे को भी लग रहा था, क्यूरियोसिटी होती है कि चेक करूंगा। वैसे तो यार नीट के रिजल्ट में तो ऐसा होता है कि पहली आंसर भी अपने को मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपन पहली प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अपने मार्क्स इतने के लगभग आने वाले हैं। तो नीट का रिजल्ट आता है जो आंसर की से मैच करते हैं तो वो बिल्कुल सेम ही रिजल्ट मिलता है अपने को, थोड़ा बहुत 1-2-5 नंबर के ऊपर मिलेगा, नीचे तो मिलेगा नहीं तो इतना कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में पहले आपको ये बताने वाला हूँ, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो हाउ यू कैन चेक योर रिजल्ट, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, मैं आपके रिजल्ट की जो लिंक होगी वो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आपको वहां जाना है, ठीक है। उसको खोलने के बाद आपको एक इंटरफेस मिलेगा, उस इंटरफेस में क्या क्या होगा, आपसे आपका रोल नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ लगेगी उसमें, एंड उसमें एक सिक्योरिटी कोड होता है जो उसके नीचे लिखा होता है, वो आपको डाल के और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका नीट यूजी का रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। अब उसमें क्या करना है यार, आपको ना रिजल्ट देख के, ठीक है, डिप्रेस नहीं होना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा इस साल, ठीक है, उनके लिए कॉन्ग्रेट्स यार। और जिनका अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं यार। आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको शांति से बैठना है, ठीक है। शांति से बैठने के बाद आपको सोचना है कि आपने कहाँ पे कोई मिस्टेक की है, किस वजह से आपका रिजल्ट इम्प्रूव नहीं किया, समझ रहे हो ना आप, किस वजह से कहाँ आप गलती करके आयो। तो अपने को ना सेकेंड टाइम ना वो गलती रिपीट नहीं करनी, अगर आप वही गलती रिपीट करते हो ना तो ये तो गलत बात है यार, बिल्कुल भी, फिर कोई भी ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको वहां उस गलती को ना रोकना है, ठीक है, और जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना है। ऐसे आज आपका रिजल्ट आया है तो कल ही आपको ना आपके काम में लग जाना है पूरा, कि यार मान के चलो कि आपको इस बार कॉलेज नहीं मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कॉलेज लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप ले सकते हो यार, गॉड ने आपके लिए कुछ स्पेशल सोच रखा होगा। ऐसे मान चलो कि अभी आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन अगले अटेम्प्ट में आपको कोई एम्स मिल जाए, किसी ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है यार। अगर आपके इस बार नहीं होता है ना तो उसमें आपको सीखने को मिलता है मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ आप ट्रैप्ड हो, उस ट्रैप से आपको बाहर निकलना है और अपना बेस्ट देना है, ठीक है। अपने को डिप्रेस भी नहीं होना है कि यार मेरे मार्क्स नहीं आए, ये नहीं आए, नहीं, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना, लगेगा थोड़ा, लगता है यार कि अगर अपने मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो कि यार मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरे जो फ्रेंड था उसके अच्छे आए, उसको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, होता है यार, सबके साथ होता है, किस किसी को कॉलेज मिल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को कुछ कुछ रह जाते हैं, बट थक के नहीं बैठना है अपने को, अपने को लगे रहना है जब तक अपने को कॉलेज नहीं मिल रहा। आप ये सोचिए यार कि आपको यार एक साल में कॉलेज नहीं मिल रहा तो आप बैठ जाओगे, ठीक है, बट लेकिन जो आपने एक साल इतनी मेहनत की है यार, जी तोड़ मेहनत की है, उस मेहनत का क्या, वो मेहनत को आपको एंड तक ले जाना है यार, ऐसा नहीं कि वो मेहनत आपकी वेस्ट हो जाए, इसलिए आपको फिर उठना है, फिर से मेहनत करना है और लगे रहना है, ठीक है। और आप रिजल्ट के लिए कोई टेंशन ना लें, जो रिजल्ट है वो आज आपका डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है, और जो रिजल्ट आने का टाइम होगा ना यार, वो मे भी आपको शाम तक, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, अगर शाम को नहीं हुआ तो रात तक हो जाएगा। मेरे टाइम में भी ऐसा था यार कि 4-5 बजे के लगभग रिलीज होना था रिजल्ट, लेकिन वो भी अपना 8-9 बजे के समथिंग रिलीज हुआ था रात को, ठीक है। तो आप इसके लिए टेंशन ना लें, जब भी नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, और बाकी यार कोई टेंशन ना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।